Dear students, Hamlet next says as, to die, to sleep, perchance to dream, there's the rub, for in that sleep of death, what dreams may come. To die, मर जाएं, to sleep, सो जाएं, to sleep, सो जाएं. यहाँ पे कवि to sleep को दो बार इसलिए यूज़ करता है ताकि वो इस पर स्ट्रेस दे सके, यानी कवि कहना चाहता है कि मृत्यु जो है वो नींद से बढ़कर कुछ भी नहीं है. डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एनाडिप्लोसिस. एनाडिप्लोसिस इस तरह का लिटरेरी डिवाइस होता है जिसमें किसी भी लाइन के अंतिम जो वर्ड हैं या अंतिम जो फ्रेज हैं वो दूसरी लाइन के शुरू में आए. तो टू स्लिप जो है लास्ट में आ रहा था वो दूसरी लाइन के फर्स्ट में भी रिपीट होके आ रहा है, तो इस तरह के लिटरेरी डिवाइस को एनाडिप्लोसिस कहते हैं. तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लिटरेरी डिवाइस नेम्ड एज एनाडिप्लोसिस. परचांस टू ड्रीम, परचांस मीन्स परहैप्स, संभावना है, टू ड्रीम्स स्वप्नों की, यानी मरने पर, जो कि एक स्लिप से बढ़कर नहीं है, यानी सोने पर. कभी मृत्यु को स्लिप के से बढ़कर नहीं मानते हैं, इसलिए उस सोने पर स्वप्न आने की संभावना है, स्वप्न आने के चांस हैं. ए मीन्स यस, हाँ. देर इज़ द रब, देर इज़ द रब मीन्स देर इज़ द डिफिकल्टी, रब मीन्स ऑब्स्टिकल, बाधा, देर इज़ द रब, यही तो बाधा है. यानी सोने पर जिस प्रकार स्वप्न आते हैं उसी प्रकार मृत्यु के बाद जो ड्रीम्स हैं, यानी मृत्यु के बाद का जो जीवन है उसकी सोच ही तो प्रमुख बाधा है जो हमें मरने से रोकती है. फोर इन दैट स्लिप ऑफ डेथ, क्योंकि उस मृत्यु की नींद के अंदर व्हाट ड्रीम्स मे कम, किस तरह के स्वप्न आए, यानी मृत्यु के बाद की उस स्लिप में ना जाने किस प्रकार के स्वप्न आए, यानी मृत्यु के बाद के जीवन में हमें जाने कैसी बाधाओं का सामना करना पड़े, यही तो हमें मरने से रोकती है. He next says as, when we have suffered of this mortal coil, must give us pause, there is the respect that makes calamity of so long life. When we have suffered of means thrown off, फेंक देना, this mortal coil means turmoil of life, means this human body, means when we have suffered of this mortal coil means when we have put aside this human body, यानी हमने जब इस शरीर को, इस नश्वर शरीर को जब हम छोड़ देंगे, must give us pause means will give us reason to pause, मानी रुकने का कारण बनेगी. यानी जब हम इस नश्वर शरीर को फेंक देंगे या छोड़ देंगे तब उसके बाद की नींद में जो सपने आएंगे, यानी मृत्यु के बाद का जो जीवन होगा, वही तो असली बाधा है जो हमें आत्महत्या करने से रोक देता है. When we have suffered of this mortal coil, जब हम इस नश्वर शरीर को छोड़ देंगे, must give us pause, तो वही तो हमारे रुकने का कारण बनता है. There is the respect, respect means consideration, that is the consideration that makes calamity, calamity होती है त्रासदी, दुर्घटना भी कह सकते हो, ऑफ सो लॉन्ग लाइफ, इतने लंबे जीवन की. देर इज़ द रेस्पेक्ट मीन्स दैट इज़ द कंसिडरेशन दैट मेक्स कैलेमिटी ऑफ सो लॉन्ग लाइफ, मीन्स दैट मेक्स अस सबमिट टू अवर कैलेमिटीज थ्रू आउट ए लॉन्ग लाइफ, मीन्स यही वह बात है जो हमें जीवन भर की मुसीबतों को झेलने के लिए बाध्य करती है, या दैट मेक्स जो बनाती है कैलेमिटी, त्रासदी को ऑफ सो लॉन्ग, इतने लंबे जीवन की, यानी इतने लंबे जीवन की त्रासदी को यही तो बात बनाती है. यानी मृत्यु के बाद की नींद में जो सपने आएंगे वही तो हमें इतना लंबा जीवन जीने के लिए बाध्य करती है, वरना तो हम कब का आत्महत्या कर कर अपने सारे दुखों का अंत कर देते. फॉर हु वुड Bear the whips and scorns of time, the oppressor's wrong, the proud man's contumely, the pangs of despised love, the lost delay, the insolence of office, and the spurns that patient merit of the unworthy takes. For who would bear the whips and scorns of time? Whips होते हैं चाबुक and scorns होता है तिरस्कार, of time समय का, यानी समय के चाबुकों को और तिरस्कारों को, यानी जीवन के दुखों और मुसीबतों को वो would bear, कौन सहन करेगा? यानी यदि उन दुष्स्वप्नों का डर ना हो जो हमें मृत्यु रूपी नींद में दिखाई देंगे, तो यदि उन दुष्स्वप्नों का डर हमें ना हो, मतलब यदि हम आत्महत्या कर लें, तो जो समय के चाबुक हैं या तिरस्कार हैं, यानी जीवन के जो दुख और मुसीबतें हैं, तो उनको कौन सहन करेगा? The oppressor's wrong, oppressor means अत्याचारी, wrong उसका गलत आचरण.
यानी अत्याचारी व्यक्ति का गलत आचरण, शक्ति का निरंकुश शासन भी कह सकते हो आप। द प्राउड मैंस कंटुम्ली, और जो प्राउड मैन घमंडी व्यक्ति की, कंटुम्ली एरोगेंस हठधर्मिता, यानी घमंडी व्यक्ति का हठ, यानी अभिमानी जो अमीर व्यक्ति होते हैं उनकी हठधर्मिता। द पैंक्स ऑफ डिस्पाइज लव, डिस्पाइज मीन्स तिरस्कृत, पैंक्स पैंक्स मीन्स दर्द, पीड़ा, जो तिरस्कृत प्रेम की पीड़ा है, यानी प्रेम में असफल हो जाने की जो तड़प है उसको कौन सहन करेगा। द लॉज डिले, और जो कानून के द्वारा न्याय में होने वाली जो देरी है उसको कौन सहन करेगा। द इंसोलेंस ऑफ ऑफिस, जो ऑफिस की जो धृष्टता है, यानी अफसर जो लोग जो नीचे काम करने वाले व्यक्तियों के साथ जो अपमानित करने वाला व्यवहार करते हैं उसको कौन सहन करेगा। एंड द स्पंस, स्पंस मीन्स तिरस्कार, और उस तिरस्कार को या अपमान को, दैट पेसेंट मेरिट, जो एक धैर्यवान, मेरिट मीन्स योग्य व्यक्ति के द्वारा जो सहन किया जाता है, ऑफ द अनवर्थी टेक्स, जो अयोग्य व्यक्तियों के हाथों उनको जो सहन करना पड़ता है उनको कौन सहन करेगा। यानी उन दुस्वप्नों का डर ना हो, यानी यदि हम आत्महत्या कर लें तो वो वुड बियर, तो कौन सहन करेगा। द विप्स एंड स्कॉन्स ऑफ टाइम, जो समय के चाबुक और तिरस्कारों को, यानी जो जीवन के दुख या दर्द या मुसीबतें हैं उनको कौन सहन करेगा। द ऑपरेशर्स रॉन्ग, द ऑपरेशर्स रॉन्ग मीन्स द रॉन्ग सफर्ड फ्रॉम ऑपरेशिंग फूज, यानी अत्याचारी का जो गलत आचरण है उसको कौन सहन करेगा। द प्राउड मैंस कंटुमली मीन्स द एरोगेंस ऑफ प्राउड नोबल्स, जो अभिमानी व्यक्तियों की हठधर्मिता है उनको कौन सहन करेगा। द पेंग्स ऑफ डिस्पाइज लव मीन्स द पेंस ऑफ बींग अनसक्सेसफुल इन लव, प्रेम में असफल हो जाने की जो तड़प है उसको कौन सहन करेगा। द लॉज डिले मीन्स द डिले इन ऑब्टेनिंग जस्टिस इन द लॉ कोर्ट्स, यानी अदालतों में होने वाली देरी है उसको कौन सहन करेगा। इंसोलेंस ऑफ ऑफिस मीन्स द इंसोलेंट बिहेवियर विद विच ऑफिसर्स ट्रीट देयर सबॉर्डिनेट्स, यानी अफसरों का जो नीचे काम करने वाले व्यक्तियों के साथ अपमानित करने वाला व्यवहार है उसको कौन सहन करेगा। एंड द स्पंस मीन्स स्नब और इंसल्ट, दैट पेसेंट मेरिट ऑफ अनवर्थी टेक्स मीन्स द स्नब और इंसल्ट विच ए पेसेंट पर्सन ऑफ मेरिट हैज़ टू इंड्योर फ्रॉम अनवर्थी मैन, अपमान जो एक धैर्यशील योग्य व्यक्तियों को अयोग्य व्यक्तियों के हाथों सहन करना पड़ता है, इन सबको कौन सहन करेगा यदि उन दुःस्वप्नों का डर ना हो तो। यदि हम आत्महत्या कर लें तो हमें ये सब चीज़ें सहन करनी नहीं पड़ेगी।